हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल पर जिसे आप मैथ वैथ के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर लिया था, बुकिश मेथड भी किया था और जहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल पा रही थी मैं वो आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा उसमें पढ़ा हुआ है। सो जस्ट गो एंड जॉइन दिस चैनल टेलीग्राम में, मैथवेथ नाम से ही है। और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक, जो लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है हर एक वीडियो में, आप देख लें, उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें सारे के सारे हैंड रिटन PDF भी हैं और जो मैं डिजिटल PDF जो पढ़ाता हूँ वो भी उस पर ही पोस्ट कर देता हूँ, तो आप दोनों के दोनों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जो कि डिफ्रेंसीबिलिटी और टेलर सीरीज एक्सपेंशन का है। डिफ्रेंसीबिलिटी आप पहले भी जानते हैं, बट वो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते थे उस पर बेस्ड होता था, फंक्शन दिया होता था, बट यहाँ पर टू वेरिएबल की बात करनी है और डिफेंसिबिलिटी की बात करनी है। तो होता ये था, सिंगल वेरिएबल मैं आपको याद दिलाऊं तो आप फिलहाल इसे ऐसे पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करते थे, दोनों एग्जिस्ट करते थे, इक्वल होते थे तो डिफ्रेंशिएबल होते थे फंक्शंस। और फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ओ ए, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता था, माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आपका जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हुआ करता था, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ किया करते थे, एफ ऑफ ए प्लस एच होता था माइनस एफ ऑफ ए होता था डिवाइडेड बाई प्लस एच। ठीक है, अगर बोथ एग्जिस्ट करता था, बोथ एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब कोई नॉन वैल्यू आनी चाहिए, और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम भी आना चाहिए, तब जाकर के हम बोलते थे जो हमारा फंक्शन है दैट विल बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता था। तो ये सिंगल वेरिएबल की बात हो जाती थी, बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखिए डबल वेरिएबल है तो कैसे करना है, आप देखिए समझते, मैं इसको अरेंज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आप फंक्शन आपके पास जो है वो डबल वेरिएबल है, ठीक है, तो आप एफ एक्स इसके सफिक्स में एक्स लिखते हो, और सपोज़ आपको चेक करना है इसकी जो ये फंक्शन है हमारा, इसका अगर हमें चेक करना है बाई चांस ए कॉमा बी पर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है या क्या क्या हो सकता है, तो जो हमारा दो है ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ठीक है, तो होता ये है कि जब दो वेरिएबल हो और दोनों पर डिफरेंशिएशन करना हो तो आप पार्शियल वर्ड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो और जब आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो, तो दो अलग तरीके के चेंजमेंट हमको दिखाई देते हैं। कैसा, देखिए जब आप एक्स में चेंज कर रहे होते हो तो आप लिमिट, जैसे आप मैंने अभी बताया ना सिंगल वेरिएबल में यहाँ करके बताया था अभी मैंने, तो वैसे ही यहाँ पे जब एक्स में आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स में चेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बनता है, फंकशन तो दो वेरिएबल का है भाई, ए कॉमा बी वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए में एच ऐड कर देंगे बट बी को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, माइनस फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, और जो हमारा वाई के रिस्पेक्ट में आप करने वाले हो, तो जब वाई की बात करते हैं तो एक वेरिएबल हम के असाइन कर देते हैं, के टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे हमारा ए में कोई चेंजमेंट नहीं हो करके सिर्फ वाई वाली प्लेस जो होती है उसमें चेंजमेंट होता है, और जो फंक्शनल वैल्यू तो वही है एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, इन दोनों को एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होता है या वाई के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब ये तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा कि एफ एक्स और एफ वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए इन दोनों को एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। इनको लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है जो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको जैसे एफ के सफिक्स में एक्स लिखा है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे डेवर एफ बाई डेवर एक्स, इसे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसे आप लिख सकते थे डेवर एफ बाई डेवर वाई। ठीक है, और पॉइंट्स आपके ए बी हैं वो आप समझ सकते हो कि लास्ट में पॉइंट आपको पुट करना होता है, इन्हें पार्शियल डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका डेवर करके मैंने बोला अभी, इन्हें पार्शियल डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल क्यों,
जब भी हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल मिल जाए और हमें दोनों के रिस्पेक्ट में देखना पड़े कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक से ज़्यादा मिल जाए तो हम पार्शियल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बोथ एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डिफेंसिबिलिटी के बारे में भी ये हम लोग को मतलब एक प्राइमरी कंडीशन हो गई कि बोथ के दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू में बोलेगा एक एग्जिस्ट करता है दूसरा नहीं एग्जिस्ट करता, या दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट नॉट इक्वल है, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ इस पे बेस्ड पॉइंट है जो डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लर्न करा दे रहा हूँ और बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सो देखिए पॉइंट नंबर वन क्या है। पॉइंट नंबर वन सिंपल सा, आप पहले से भी जानते हो। अगर देखिए, अगर फंक्शन जो हमारा है एफ ऑफ ए बी या एफ ऑफ एक्स वाई जो है, फंक्शन एफ एक्स वाई अगर कॉन्टीन्यूस होता है, इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। सो ये कहना फिर एकदम परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल हो, मतलब कॉन्टीन्यूटी अगर है तो मे भी डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक है। ए फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस देन मे भी डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। मे बी मतलब मे बी में दोनों आ जाते हैं, डिफरेंशिएबल भी होगा और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ये तो हम लोग पहले से जानते थे कि कॉन्टीन्यूटी है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबिलिटी हो, ओके। बट अगर फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो एकदम आप श्योर हो जाइए कि नेसेसरी वो बिल्कुल डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ये तो कंफर्म कर देता है कि अगर कॉन्टीन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल इज जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग कि जिसके पास जो बेस है वो ज़्यादा उसे चाहिए होता है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी के लिए बेस कम चाहिए होता है। सो अगर कॉन्टीन्यूटी ही नहीं है, मतलब बेस कम वाले में ही नहीं काम हो रहा है, तो बेस बड़ा कैसे हो सकता है, फ़ायदा ही नहीं है कोई। चलिए ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए अगर पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं, जो भी हम लोगों ने ऊपर जस्ट सीखे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे, वो दोनों के दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं बाई चांस, ठीक है, जिन्हें अपने एफ एक्स और एफ वाई कहा अभी, तो एक चीज़ ये कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये मे बी डिफरेंशिएबल। मतलब पार्शियल तो भाई दोनों अलग अलग है ना, हमें तो दोनों की एक साथ बात करनी है, और पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है एफ एक्स और एफ वाई, वो ये कहता है कि वो अलग अलग एक्स पर और अलग अलग वाई पर डिफरेंशिएबल है, बट एक साथ कहना मुश्किल होता है। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, मे भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट भी है, लेकिन अगर ये होता क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट ना करें, तो श्योर हो जाते हैं हम लोग कि आपका पार्शियल जो डेरिवेटिव है अगर यही एग्जिस्ट ना करे, तो ये श्योर हो जाता है कि नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चारों के चारों पॉइंट क्या हैं याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एमसीक्यू, एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक जो जो पेनासिया होता है, रामबाण, वो एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप है, बट वो याद करने का तरीका मैं बता दूंगा। वो क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको सिर्फ एक लाइन में चेक करने में, जिससे आंसर आप दे सको, ठीक है, विदाउट नो डाउट, कोई भी डाउट उसमें बचेगा नहीं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो देखिए एक फॉर्मूला है, जब आप एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना होता है, आप लिमिट लेते हो, ठीक है, और लिमिट कौन सी लेनी है आपको, साइमल्टेनियस लिमिट लेनी है, जिसमें क्या साइमल्टेनियस लिमिट होनी थी, आपका जो एच और के मैंने अभी जस्ट बताया था, एच क्या होता है, जब हम लोग एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसमें एच ऐड हो जाता था, और जब वाई पे डिफरेंशिएट करते थे, मतलब एफ वाई फाइंड आउट करते थे, तो उसकी प्लेस पे के ऐड हो जाया करता था, ठीक है, बाकी उसके अलावा जो रहता था वो एज इट इज़ रहता था। तो यहाँ पे लिमिट हमें क्या है, साइमल्टेनियस लिमिट लेनी है एच के टेंडिंग टू 0, 0, ठीक है,
और हमारे ऊपर फंक्शन क्या बनता था जो हमें सॉल्व करना है, एफ ऑफ, अब इसमें दोनों एक साथ चलेंगे ठीक है, एफ ऑफ एच ए प्लस एच और बी प्लस के, ठीक है, ए प्लस एच है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपको फंक्शनल वैल्यू को क्या करना था, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद आपने पहले ही एफ एक्स और एफ वाई निकाल रखा होता है, तो एफ एक्स में आपको एच का मल्टीप्लाई करके उसको भी डिफर कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपको के का मल्टीप्लाई करके वाई के साथ, मतलब एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करके उसको भी डिफरेंस ले लेना है, और साथ ही साथ डिवीजन में आपको अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर लेना है, ठीक, इतना कर लेना है। और अगर अगर ये जो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट है, हमारी साइमल्टेनियस ये अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है जो पर आपकी वैल्यू आई इतनी बड़ी सी, देन फंक्शन विल बी व्हाट, डिफरेंशिएबल हो जाएगा तुरंत का तुरंत, ठीक है, डिफरेंशिएबल, ठीक ना। ये छोटी सी और सिंगल ट्रिक है जिससे आप डिफरेंशिएबिलिटी तुरंत से बता सकते हो, बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो 1 मिनट का कैलकुलेशन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कमांड बनाते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, बस उतना ही काफ़ी है। और हाँ, ये आपका एमसीक्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलेगा द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी इज़, तो उसमें ये फॉर्मूला हो सकता है और एफ एक्स एफ वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो एफ एक्स एफ वाई के लिए अभी जैसे उन्होंने पहले क्या एम सी क्यू वाला जो मैंने बताया 5-6 पॉइंट्स, वो उनको दिमाग में रखना है, 4-5 पॉइंट बताए तो उनको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसे क्वेश्चंस पे, देखिए एक क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन आप समझते हैं कैसा था, क्वान्टिटी में भी ऐसे था, बट वी आर टू चेक ओवर हेयर द डिफ्रेंसीबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन और नॉट, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, पॉइंट दिया हुआ है 0,0, तो देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा है क्योंकि अपने को एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर एफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बड़ा सा फॉर्मूला है जो जस्ट हम लोगों ने रीड किया वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये दो टू 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 एंड हाफ पेजेस में चला जाएगा, बट ये इतना बड़ा तो आने नहीं वाला, आपको पता है मैं क्यों लॉन्ग करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उसमें थोड़ा सा मेंटेन रहे, बल्कि पूछेगा सिर्फ इतना सा कि इसका एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा कि एफ वाई एग्जिस्ट करेगा, छोटे छोटे पार्ट पूछेगा, ठीक है, कि एफ एक्स वाला पूछ लेगा या केवल एफ वाई वाला पूछ लेगा, ये बोल देगा कि दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे या दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ ही केसेस में होगा जो पूरा का पूरा आपसे पूछे कि डिफेंसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी ट्रिक्स अभी आपको पता चल जाएगी, जब ये क्वेश्चन आप पूरा पूरा समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, अगर ये बात की जाए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, तो आप पुराने तरीके से समझ सकते हैं, वाई की प्लेस पे एक्स पुट करेंगे, है ना, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर निकल के आएगा आपका, यहाँ पे ऊपर से एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, तो एक्स स्क्वायर नीचे के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बट ऊपर एक एक्स रह जाएगा, तो वो जैसे ही आप 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो कॉन्टीन्यूअस तो है फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन तो ये है, ठीक ना। तो बाकी हम लोग को जो चेक करना, चलिए वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे देखिए कॉन्टीन्यूटी मैंने क्यों बोला, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, ये आप जानते हो कैसे चेक करना है, पहले समझ लो मैं ये बात क्यों कर रहा था, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस है ना, ये आपको कर लेना है, या आप पुराने वीडियो में चले जाइएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, तो एक बार पुराने वीडियो में चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता तो हम यहीं से आंसर दे सकते थे कि दिस विल नेवर बी डिफरेंशिएबल एट 0,0, क्योंकि 0,0 पर अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो हम डायरेक्ट बोल सकते कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उतना फालतू का हम लोग को समय बच जाएगा हमारा, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है जिसमें कॉन्टीन्यूस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप 2.5 पेज लगाने वाले हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ एमसीक्यू 2.5 पेज का होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगेगा 2.5 पेज का, बट वहाँ पक्का यही हो रहा होगा कि वो कॉन्टीन्यूस ही नहीं होगा, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता चला आपने 2.5 पेज लिखा एंड द रिजल्ट इज़ वॉट, द फंक्शन वॉज नॉट डिफरेंशिएबल, आपको मिला कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो ये तो आपको पहले ही पता चल जाता अगर आप वहाँ पर क्वान्टिटी चेक कर लेते, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको पहले क्वान्टिटी चेक करनी पड़ेगी, और वैसे एम सी क्यू में वही क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सारे के सारे चेक करते हैं। चलिए चलिए डिफरेंसिबिलिटी के लिए पहले हम लोग एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी यहाँ पे क्या है 0,0, वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए कॉमा बी इज इक्वल टू लिमिट
आप एक्स के रिस्पेक्ट में खड़े होते तो एच की लिमिट आती है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इसे मैं अलग कर देता हूँ, जो मैंने आपके लिए बोला है कि आपको करना है ये चीज़। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मूला हो गया, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। सो अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एफ एक्स जो है एट 0 0 चेक करना है ना हमें, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और जब हमारा फंक्शन था, मैं आपको फंक्शन एक बार दिखाता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 + h रख देंगे, और जहाँ पर वाई है वहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये जा करके लास्ट में, 0 + h का होल क्यूब एक्स के प्लेस पर 0 + h का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई जो है अपना यानी बी रखना है यानी 0 का क्यूब रखना है क्योंकि वो भी 0 ही है ना, डिवाइडेड बाई फंक्शन नीचे भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स यानी 0 + h² और माइनस वाई स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, और इसमें हमें क्या माइनस करना है, फंक्शनल वैल्यू यानी एफ ऑफ 0, 0, और इसको डिवाइड किससे करना है, एच से। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी ये लेफ्ट में लिखा ना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अपॉन हमारा यहाँ पर है, तो मैं इसे सही करता हूँ। रुकिए, मेरा कहने का मतलब था, देखिए जहाँ पे अपॉन होता है ना उसी के सामने इक्वल होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे इक्वल होगा और हमारा लिमिट सॉरी फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी, ठीक, और ए कॉमा बी यहाँ पे क्या है 0, 0, तो ए कॉमा बी तो मैंने फॉर्मूले में पहले लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए वही तरीका है जो आप पहले से जानते हो, जितना सॉल्व हो सके कैंसिल हो सके वो कैंसिल कर देते हैं पहले। तो इधर में जो ऊपर आपका एच क्यूब बच रहा है अपॉन एच स्क्वायर बच रहा है, एफ 0 0 की वैल्यू फंक्शन में देख लीजिए 0 है, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ये जो है ये देखिए 0 0 0 0 पर क्या है 0 है ना, है ना, ठीक है, तो ये तो देख लिया आपने। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं तो 0 हो गया डिवाइडेड बाय h। ठीक, अब ये आएगा क्या, देखिए पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर एच क्यूब कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के ये क्या आ रहा है, कुछ बचा ही नहीं तो यानी 1 बचा है, लिमिट का लिमिट तो h की है, फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, 1 आ गया। अब 1 क्या है, 1 तो एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना, एग्जिस्ट करता है ये तो, ठीक है अच्छी बात है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ठीक एग्जिस्ट। अब ऐसे ही हम लोग एफ आई भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना, एफ आई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफ वाई ऑफ ए कॉमा बी इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई के। ठीक, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज रख देते हैं, चलिए रखते हैं, ठीक है ठीक है, चलिए पुट करते हैं, तो एफ वाई ऑफ 0, 0 नाउ पुटिंग इन द फंक्शन दिस विल गिव अस लिमिट के टर्निंग टू 0 के 0 हो जा रहा है। ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू हम रखेंगे अगर, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए 0, k हो जाएगा, मैं डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया कोई बात नहीं है, 0, 0 डिवाइडेड बाई के। अब जो हमारा फंक्शन था जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रख देंगे और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर k पुट कर देंगे, तो वैसे फंक्शन जो था मुझे तो याद हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो 0 क्यूब माइनस के क्यूब डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस k² और एफ 0 0 की वैल्यू 0 थी, इट विल बी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, सो लास्ट में जो इसका फंक्शन बन रहा है लिमिट k टेंडिंग टू 0 माइनस के क्यूब अपॉन के क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे और क्या, ठीक ना, के क्यूब, सो आंसर विल बी वॉट, माइनस होना चाहिएगा है ना, क्योंकि के क्यूब से के क्यूब कैंसिल माइनस होना आएगा और लिमिट का कोई इस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो माइनस होना जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट है। ठीक है, क्योंकि 1 और -1 दोनों ही बाई नोन वैल्यू है,
नॉन वैल्यू तो एग्जिस्टिंग तो होती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे। जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो पक्का ये डिफरेंशिएबल तो होने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो लंबा वाला फॉर्मूला है उसको भी उसके तरीके से भी एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग तो है बट एफ एक्स और एफ वाई ही इक्वल नहीं है। तो ये तो एकदम बहुत छोटी सी कंडीशन, जब ये छोटी सी कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही है, सो हाउ कैन वी से दैट द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है। चलिए देखते हैं, वो बड़ा वाला फॉर्मूला भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना। अच्छा देखते हैं, तो जो हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमारा एक फॉर्मूला था बड़ा सा। क्या बड़ा सा फॉर्मूला था? देखिए, फॉर्मूला ये था कि वी हैव टू चेक लिमिट एच कॉमा के टेन टू 0,0, एंड फंक्शन में आपको दोनों एक साथ परफॉर्म करना था, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस फंक्शनल वैल्यू ए कॉमा बी माइनस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस के टाइम्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। देखिए, ये भी एग्जिस्ट नहीं करने वाली, ये साइमल्टेनियस लिमिट है ना, इसको बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसा पहले वीडियो दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि एक पाथ चूज़ करना होता है। चलिए देखते हैं, स्वागत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यूज़ हम लोग पुट करने वाले हैं, लिमिट एच कॉमा के टर्निंग टू 0,0, ठीक है। जो आपका ए प्लस एच था वहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी, तो दिस विल बिकम एच कॉमा के, ओके, ए प्लस एच और बी प्लस के था, तो ए और बी दोनों ही 0 थे क्योंकि 0,0 पे चेक करना था। और ये क्या था, फंक्शनल वैल्यू भाई वो भी 0,0 ही थी, माइनस एच ऑफ एफ एक्स और माइनस के ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0,0, जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करते हैं। एच कॉमा के में है तो हमारा जो फंक्शन बना था, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एच रख देते हैं, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे के रख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एफ 0,0 की वैल्यू 0 है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 थी, के एफ वाई की वैल्यू -1 थी, है ना। एंड इट विल बी डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल पावर 1/2, मीन्स रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड करना। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो एलसीएम आ सकता है उस एलसीएम लेने के बाद, वो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो होगा क्या, तो आप एलसीएम लेने वाले हो, वो एलसीएम आ जाएगा नीचे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अंडर रूट भी रहेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और जा कर के लास्ट में बचेगा क्या, देखिए। तो ये क्या बनने वाला है, एच क्यूब माइनस के क्यूब प्लस के एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस एच के स्क्वायर। अब देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपका एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो रहा है एंड के क्यूब से के क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब दो ऊपर पॉइंट्स बच जा रहे हैं और नीचे पॉइंट, नीचे देखिए पावर में 3/2 कर सकता हूँ क्योंकि ये रूट है और यहाँ पे पावर 1 है, तो मैं इसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल पावर 3/2 कर सकता हूँ। चलिए कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो अभी जो लास्ट में रिड्यूस होकर के जो हमारा एक लिमिट बन रहा है, वो बन रहा है एच कॉमा के टेंडिंग टू 0,0 और रिड्यूस होकर के एच टाइम्स एच माइनस के, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, एंड डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल पावर 3/2, क्योंकि मैंने दोनों की पावर से ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये तो है साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट में मैंने कैसे बताया आप लोगों को पाथ सेलेक्ट करने का, सिर्फ एक ही पाथ चेक करके आप आंसर दे सकते हो। क्या करते थे, डिनोमिनेटर को देखते थे, डिनोमिनेटर में देखिए ये तो पावर दोनों में लगी, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन एच पर
इंडिविजुअल जो पावर लगी है और के पर जो इंडिविजुअल पावर लगी है, उन दोनों की पावर कितनी है, टू टू। दोनों का रेशियो लो तो कितना आ जाएगा, वन वन। यानी पावर हमें वन वन वाला क्या करना है, पाथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेते थे, वैसे हम लोग क्या करते हैं, के इज इक्वल टू एम एच ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम पाथ चेक कर लेते हैं, टेकिंग पाथ एज के इज इक्वल टू एम एच। ठीक है, और जब आप के को भी एच में कन्वर्ट कर दोगे तो सिर्फ एच रह जाएगा, तो एच की लिमिट रह जाएगी ना, फिर और लिमिट तो लेने की ज़रूरत है नहीं। सो दिस विल बिकम अ लिमिट ऑफ वन वेरिएबल एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। वी वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ लिमिट। के की प्लेस पर एम एच रखा, इंटू एच एच माइनस एम एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कितने एच आ सकते हैं, एच क्यूब आ सकता है। ठीक है, एच क्यूब ऊपर से आ सकता है और देखिए नीचे से भी एच क्यूब ही कॉमन आ रहा है, तो सारे के सारे एच कैंसिल हो गए। सो दिस विल बिकम ओनली लाइक दिस, कि एम यहाँ पे बच रहा है, एच मैंने यहाँ से दोनों हटा दिया और ब्रैकेट के अंदर से भी एच हटा दिए। नीचे में आपने एच स्क्वायर कॉमन लिया, हालांकि आप एच स्क्वायर नीचे से जब कॉमन लेने वाले होंगे तो वो पावर के साथ बाहर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा टू से टू, तो एच पावर 3 नीचे भी मिल जाएगा, यानी एच पावर 3 कैंसिल ही हो जाने वाला है पूरी तरीके से। तो बचने क्या वाला है, देखिए नीचे भी 1 प्लस एम स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन एम। हम लोग पहले की वीडियो से जानते हैं कि अब जब लिमिट एम पे डिपेंड कर जाती है वो एग्जिस्टिंग नहीं होती है ना, डिपेंड कर गई एम पे तो साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट हो गई ना। ये डिपेंड कर गई किस में, डिपेंड ऑन एम। सो साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगी, सो साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, तो साइमल्टेनियस जब एक्सिस्ट नहीं करती तो, और वो उतना जो हमारा फॉर्मूला था उसके साथ साइमल्टेनियस अगर एग्जिस्ट ना करे तो दैट फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ये चीज़ तो हम लोग को पहले भी पता था कि एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट तो कर रहे थे बट इक्वल नहीं थे, तो मैंने वहीं बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक आपका शॉर्ट यही होगा, शॉर्ट करने का तरीका यही होगा कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है एग्ज़ाम में, नो डाउट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो फर्स्ट यू मस्ट गो थ्रू द कॉन्टिन्यूटी चेकिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करिए करिए पहले, अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और कॉन्टिन्यूटी चेक करने में 1 से 2 मिनट में आप आंसर दे दोगे और 1 से 2 मिनट वाले ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वांटिटी बाई चांस हो गई तो आप उसके बाद एफ एक्स और एफ वाई को चेक करोगे, अगर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो अलग बात है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना, इनकी एग्जिस्टिंग चेक करनी होगी, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, और एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर नॉट इक्वल हैं तो पक्का ही डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, बट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्वल भी हैं तो आप तब जा कर के साइमल्टेनियस का जो अभी पिछला वाला फॉर्मूला है, बिग फॉर्मूला जिसको मैंने बताया, जो बिग वाला फॉर्मूला है जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, उसे चेक करना। ठीक है, और सिंगल पाथ से काम चलाना है, कैसे पाथ लेना है वो भी ध्यान देना है, ये सारे शॉर्ट ट्रिक आपको इस चैप्टर से मिल गए। ठीक है, तो इसे ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन ये इस वीडियो का डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने पूरा का पूरा निचोड़ आपको दे दिया है कैसे करना है। सो बने रहिए अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ करने वाले हैं, और भी अच्छे जो आपके एमसीक्यू के लिए ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए अगर नहीं किया हो अभी तक तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है।